ये 2.5 सेम में 6 नहीं बजा रहे हैं। बस बस तो गाइस अभी जो आपने वीडियो देखा इसके पीछे क्या स्टोरी है वो तो मैं आपको एंड में बताऊंगा, लेकिन एक चीज का ध्यान रखना, जो दिखता है वो असल में होता नहीं। तो पहले कोई प्री जजमेंट मत कर लेना कि एक्चुअल में क्या हुआ है। तो आज की वीडियो में गाइस मैं आपको उन टाइप ऑफ केमिकल्स के बारे में बताना हूं जो हम दीवारों पे टाइल लगाते हैं, फ्लोर में टाइल लगाते हैं या पत्थर लगाते हैं, ग्रेनाइट हो गया, इटालियन हो गया। आप लोगों के कमेंट्स इतने आते हैं कि मनीष इस साइज की टाइल है कौन से केमिकल लगाए, मुझे 10 फुट हाई तक लगानी है तो कौन सा टाइल लगाए, मनीष इसका क्या रेट होगा, मनीष इसमें क्या होगा। मतलब इतने सारे एडहेसिव को लेके मिथ, और अलग अलग लोग अपने आप ही बता रहे हैं कि नहीं नहीं ये लगाओ, जो नॉर्मल सिरेमिक टाइल का केमिकल था उससे 4x2 की टाइल लग रही है। तो मतलब ये मिथ दूर करने के लिए मुझे लगा वीडियो होना चाहिए। तो आज की वीडियो में सारे टॉपिक्स और सारे पॉइंट्स क्लियर करने वाला हूं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल इंटेक कोच पे, और मैं हूं आपका इंटेक कोच एंड इंटेक बिल्डिंग कंसल्टेंट मनीष सहरावत। जाऊंगा बजट आपका, डिजाइन हमारा, और कॉन्ट्रैक्टर आपका, इंजीनियर हमारा। और कॉन्ट्रैक्टर आपका इंजीनियर हमारे से मतलब है कि अगर आप बिजनेस में हो या अपना खुद का घर बनवा रहे हो तो आपको एक इंजीनियर की जो जरूरत पड़ती है वो इंजीनियर हम आपको प्रोवाइड कराते हैं। और गाइज हम भी कंस्ट्रक्शन और इंटीरियर में आ गए हैं, तो आप चाहो तो हमें कॉल कर सकते हो। तो सबसे पहले देखो, वैसे मैं जनरली बात करता हूं केमिकल्स की, कौन सी कंपनी की, MYK कंपनी की, लेकिन अभी रिसेंटली मैं कैरोकॉल की कंपनी से मिला, और ये कोई पेड प्रमोशन नहीं है, ना मैंने इसके कोई पैसे लिए हैं। मैंने जो देखा, टेस्ट किया, उसके बाद मैं आपको प्रोडक्ट की पूरी इंफॉर्मेशन दे रहा हूं क्योंकि मुझे इस पे बहुत सही चीजें मिली हैं। तो होता क्या है कि सबसे पहले अब मैं आपको ये स्क्रीन पे लेके चलता हूं लैपटॉप की, इजी से, जिससे कि आप ये अंडरस्टैंड कर पाए कि मैं आपको यहां क्या समझाऊंगा। ठीक है, तो सबसे पहले फोटो देखो, अलग अलग ब्रांड देख रहे हो इनके नाम। अभी नाम के साथ साथ इनके बारे में आपको बताते जाता हूं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बायोटाइल के बारे में। तो मैंने जो स्पेसिफिकेशन बांटी है, जो जनरली आपके क्वेश्चंस होते हैं उन्हीं को लेके मैंने यहां बांटा, ज्यादा टेक्निकल में नहीं जाएंगे, हमारा काम क्या है सिंपल तरीके से बताना। तो मैंने ये देखा है साइज की, कितने साइज की टाइल के लिए कौन सा केमिकल लगेगा, टाइप मतलब कि सिरेमिक या विट्रीफाइड, कौन सी मतलब सिरेमिक फॉर वॉल, विट्रीफाइड फॉर फ्लोर, तो इसके लिए कौन सी टाइल लगेगी इस केमिकल से। लोकेशन मतलब कि दीवार पे लगेगी कि फ्लोर पे लगेगी। सरफेस मतलब कि प्लास्टर के सरफेस पे लगेगी, सीधा क्या कंक्रीट पे लगाया जा सकता है, लोहे पे लगानी है, लकड़ी के बोर्ड पे लगानी है, किस पे लगानी है, इस टाइप का सरफेस। हाइट मतलब कि भाई बाथरूम में जैसे फुल हाइट लगानी है तो क्या यही केमिकल चलेगा, या मुझे तो बाहर क्लैडिंग लगानी है 20 फुट हाइट तक, और क्या इस केमिकल से इंडोर में लगेगी कि आउटडोर में लगेगी। तो ये मैंने पैरामीटर्स पकड़े जिस पे आपको इजीली पता लग जाएगा। तो सबसे पहले अगर टाइल का साइज अप टू 2x4 feet है, इस साइज मतलब एरिया कितना हो गया 8 square feet, इस साइज तक के लिए आपको नॉर्मल जो लेना है वो बायो टाइल का। रेट मैं रिवील कर नहीं सकता, एमआरपी मैं आपको नीचे लिस्ट में दे दूंगा जिससे कि आपको इजीली पता लग जाएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगी, वहां से आपको एमआरपी पता लग जाएगा, क्योंकि फिर जगह जगह डिस्काउंट अलग होता है ना, और नंबर भी दूंगा, मेरा नाम लोगे तो कुछ एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा, कुछ फायदा भी है मेरा, डोंट वरी। टाइप हो गया मतलब कि दोनों सिरेमिक और विट्रीफाइड आप इस पे लगा सकते हो, तो ये सिर्फ हुआ टाइल के लिए, इसे नाम भी क्या है बायो टाइल। लोकेशन आप दीवार पे और फ्लोर पे लगा सकते हो, प्लास्टर पे लगा सकते हो, कंक्रीट पे लगा सकते हो, और अप टू 10 फीट हाइट तक लगा सकते हो और इंडोर में लगा सकते हो। MYK में थोड़े से इश्यूज क्या थे कि उसमें सिरेमिक का कुछ विट्रीफाइड का अलग, सिरेमिक का अलग का चक्कर होता है। अब ज्यादातर मार्केट में हर जगह विट्रीफाइड ही टाइल्स आती है, तो हमेशा हर जगह एडहेसिव यूज होता है। आपके लिए सिंपल सा फंडा क्या हो गया, बायो टाइल, ये हमारा सारे प्रॉब्लम दूर कर देगा इंडोर के लिए, तो बेस्ट ये है घर के अंदर हम कहीं भी टाइल लगा रहे हैं। तो अब नेक्स्ट स्लाइड पे बायो फिक्स मतलब कि अब ये किस चीज के लिए हो गया, सारी प्रॉपर्टीज सेम है, दो प्रॉपर्टीज इसके अंदर जो है वो चेंज हो जाती है, तीन सॉरी, एक तो एरिया बढ़ गया। अब हम टाइल का साइज चूज करते हैं 6 feet by 4 feet, 6 feet by 4 feet तक हम इसको बायोफिक्स को लगा सकते हैं। टाइप दोनों हो गए, बोथ लगा सकते हैं, फ्लोर एंड वॉल में लगा सकते हैं, प्लास्टर कॉन्क्रीट दोनों के सर्फेस पे लगा सकते हैं। अब जो चीज बदल गई वो क्या, हम इसको 10 feet हाइट तक भी ले जा सकते हैं और 6 feet तक भी ले जा सकते हैं। ठीक है, 6 से 10 के बीच में हम इसको लेके जा सकते हैं, हमें अलग से कोई एक्स्ट्रा एडवांस केमिकल खरीदने की जरूरत नहीं है। अब जो पॉइंट चेंज हो गया हाइट के केस में क्या, कि अगर हम इंडोर में लगा रहे हैं तो 10 फुट हाइट तक जा सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, लेकिन इसमें एक्स्ट्रा एड ऑन क्या हुआ कि इसको हम आउटडोर में 6 फुट के हाइट तक भी लगा सकते हैं। कई लोग कहते हैं ना हमें 4x2 की टाइल या विट्रीफाइड टाइल लगानी है बाउंड्री वॉल में या पैराफिट वॉल में, तो इसमें आप क्या कर सकते हो, ये टाइल्स जो है इस हाइट तक आउटडोर एरिया में लगा सकते हो, और इंडोर में तो 10 फुट तक जाने दो। नेक्स्ट उसके बाद जो आता है वो होता है बायोफ्लेक्स, दैट साइड इसमें क्या आ गया, एनी साइज जो आपका मन करे वो टाइल लेके आओ। अब साथ के साथ क्या होता है, इसमें आप सिरेमिक और विट्रीफाइड टाइल तो लगा सकते हो, अब इसमें जुड़ गया स्टोन, दैट्स राइट, कि अब आप इसमें स्टोन भी लगा सकते हो। स्टोन कौन सा, कोई भी स्टोन, ग्रेनाइट, इटालियन, कटनी हो गया, व्हाइट मार्बल हो गया, ये आप कहीं भी लगा सकते हो, पर मेक श्योर कि उस स्टोन का वेट, एक टेक्निकल छोटी सी टिप है बस, वैसे ये किसी में होता ही नहीं है ज्यादा, 2.2 kg per square feet, ज्यादातर इससे नीचे ही रहता है। उसके बाद क्या, लोकेशन वॉल क्लैडिंग मतलब कि वॉल में डाल दो, फ्लोर में इतना महंगा केमिकल लगाने की जरूरत नहीं, इसलिए मैंने इसको सिर्फ वॉल के लिए कंसिडर किया है। अब इसमें जो एडवांस आ गया वो ये सारा बोर्ड पे लगा सकता है, और दूसरा आपका
मेटल पे लगाया जा सकता है, प्लास्टर पे लगाया जा सकता है, कॉन्क्रीट पे, बाइसन बोर्ड पे, लकड़ी पे, कहीं भी लगा लो। अब इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, और दूसरा अप टू 30 फीट हाइट तक ये जा सकता है, मतलब 30 फुट बाहर में आप कहीं भी लगाओ। आउटडोर के लिए तो ऑफकोर्स ये हो ही गया। नेक्स्ट क्या है कि अब आप उससे पहले वीडियो देखो। तो अब देखा इसमें हमने ये पूरी कोशिश करी कि ये सॉलिड वुड से हमने इसको मारने की कोशिश करी कि पत्थर जैसे तैसे निकल जाए, लेकिन पत्थर अपनी जगह से हिला भी नहीं। इसे बोलते हैं हम वर्टिकल स्लिप। कई बार अक्सर आपने देखा होगा कि टाइल सीधी सीधी नीचे आ जाती है, जिसकी वजह से ये मजबूत रहता है, वर्टिकल स्लिप नहीं होने देता। अब नेक्स्ट जो आता है वो होता है H40 जेल। अगेन इसमें भी आप कुछ भी कर सकते हो, लेकिन इसमें एक चीज ज्यादा आ जाती है, क्या कि ये वर्केबिलिटी बढ़ जाती है। अक्सर क्या होता है कि हमें मान लो कोई 100 फुट हाइट तक हमें जाना है, इसकी हाइट बढ़ जाती है 100 फुट। 100 फुट तक आप इसको लगा सकते हो, मतलब बिल्डिंग्स के लिए हो गया स्पेशली। अब इसमें होता क्या है, इसमें खासियत क्या है कि जब हम ये केमिकल को बनाते हैं ना, तो इसका सूखने का टाइम बहुत जल्दी होता है। इतनी बड़ी टाइल ऊपर ले जाना मुश्किल है, पहली चीज। तो हम क्या करते हैं, जो लिफ्ट मशीन होती है जो बिल्डिंग के बाहर लगती है, उससे इसको लेके जाते हैं। नीचे ही केमिकल लगाना पड़ता है, तो हम क्या करते हैं, केमिकल सेट ना हो जाए तो उसको वर्केबिलिटी टाइम मिल जाता है। ये ना हो कि जब तक पहुंचे तब तक केमिकल जो है वो पहले सेट हो चुका है। तो इसमें थोड़ा इसको सूखने में टाइम लगता है, तो ये इसकी सबसे बड़ी खासियत जो मुझे लगी। दूसरा, 100 फुट तक तो ये जाता ही जाता है, नो डाउट। तीसरा, ये जो स्ट्रक्चर चेंजेस होते हैं ना, घरों में इतने नहीं होते, बिल्डिंग्स के अंदर ना स्ट्रक्चर चेंजेस बहुत होते हैं, स्ट्रक्चर मूवमेंट बहुत होती है। तो डिफॉर्मेशन जो मटेरियल होता है, सबस्ट्रेट का मतलब हो गया, या सबस्ट्रेट तो आपके लिए टेक्निकल हो जाएगा, बेस जिसके ऊपर टाइल लगने वाली है, वो बेस कई बार क्या होता है ना, स्ट्रक्चर मूवमेंट हो जाती है उसमें। मतलब कि प्लास्टर है तो उसमें कहीं कहीं स्ट्रक्चर की मूवमेंट आएगी। तो H40 जेल अपने आप में एक स्ट्रेचेबल टाइप का मटेरियल हो जाता है, जिसकी वजह से वो टाइल के बॉन्ड को टूटने नहीं देता और टाइल आपकी गिरती नहीं। तो मैं सच बता रहा हूं, बहुत सारी टाइलें आपने भी देखी और आपने किससे भी बहुत सुना होगा कि पत्थर गिरा, किसी की गाड़ी फूट गई, पत्थर हुआ, किसी का एक्सीडेंट हो गया, किसी के सर में लग गया। तो मेक श्योर कि जेल्स को आप ऐसे तरीके से यूज करो। इसी में और जो मैंने पुराने बताए वो भी यूज कर सकते हो। आपको H40 आपको जब ही जाना है जब आपकी हाइट बहुत ज्यादा है, तो पैरामीटर्स आप अपने आप से कर सकते हो। दूसरा, श्रिंकेज फ्री होता है, फुल वेटेबिलिटी होती है, रेजिस्टेंस होता है हीट के लिए, वाटर के लिए, तो वो बहुत सही चीज उसमें जो है वो लगी। उसके बाद आता है सुपर फ्लेक्स इको। अब इसमें क्या है, सारी बंदिशें खुल जाती हैं, जो हाइट है जितना लगाना हो, जिस वेट का पत्थर लगाना हो, जितना मोटा इसमें लगाना हो, मतलब ये हो गया कि ऑलराउंडर, जिसके लिए लगाना है, जहां लगाना है, जैसे लगाना है, जो मर्जी लगा दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो आई होप गाइस आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, यार बहुत मेहनत लगती है वीडियो को बनाने में। आपको तो मैंने बहुत सिंपल तरीके से बता दिया, लेकिन अब ये देखो आपके लिए मैंने पीछे से रैकी रिसर्च कितना किया होगा कि एक्चुअल में ये नहीं है कि मैंने आपको बोल दिया, आपने खरीद के लगा लिया और बाद में वो चीज खराब निकल गई तो दिक्कत हो जाएगी ना, मेरा नाम खराब हो जाएगा। तो इस वीडियो के और इतने सिंपल तरीके से बताने में कि इतने साइज पे इतना इसे में ना बहुत टाइम लगता है भाई, बहुत मेहनत लगती है। तो ये वीडियो बनाने के लिए मुझे पूरे 3 हफ्ते की मेहनत करनी पड़ी, और वेबिनार 29th ऑफ जुलाई को होने वाला है, 25th ऑफ जुलाई को एनरोलमेंट बंद हो जाएगा, तो मेक श्योर आप एनरोल कर लेना। नेक्स्ट जो वीडियो होने वाली है वो होने वाली है स्पेस सेविंग फर्नीचर के ऊपर। टाइप्स ऑफ स्पेस सेविंग फर्नीचर कौन से होते हैं, ये तो आपको इजीली यूट्यूब पे बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। मैं कुछ आपके लिए यूनिक आइटम्स लेके आ रहा हूं जो मुझे बहुत सही लगे, और मुझे लगता है आप लोगों को भी पता होना चाहिए कि अपने घर में पर्सनल यूज के लिए आप कैसे यूज कर सकते हो, कि अगर आपको कहीं छोटा सा बार रखना है लेकिन किसी को दिखे नहीं क्योंकि घर पे अलाउड नहीं है, तो उसके लिए क्या हिडन एलिमेंट है। तो ऐसे कुछ यूनिक थोड़े एलिमेंट्स हैं जो मुझे लगा आपको पता होने चाहिए, जो कि अगली वीडियो में आपको अपलोड हो जाएंगे। और पिछली वीडियो जो कलर कोडिंग के ऊपर थी, कि अलग अलग थीम विद कलर कोड, कोई नहीं बताता यूट्यूब पे, इसे बता देंगे हमने यहाँ ब्लू कलर डाला या येलो डाला। मैं आपको ब्लू का शेड, क्योंकि ब्लू की बात करें तो ब्लू भी 100-150 टाइप के हैं, ब्लू विद कोड विद थीम विद फोटो, पूरी वीडियो जाके जरूर देखना, लिंक डिस्क्रिप्शन में और आई बटन में। टिल दैट, गुड बाय।